नमस्कार, मैं रजा अंसारी, द इंडियन पर स्वागत है। बहुत ज़माने से और जर्नलिज्म के में जो है एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि अगर शहर का हाल पता करना हो तो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर आप जाएंगे। चूँकि ज़्यादा लोगों का आना जाना होता रहता तो जो लोग चाय वाय बेचते हैं और जो चाय की दुकान होती है तो उनको ज़्यादा पता होता है कि लोग किस तरह की बातचीत कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो आइए, चाय की दुकान पर है, चाय तो मैंने पी ली है मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि चाय वाले भैया से कुछ बातचीत करें। इधर आइएगा भैया, इधर आइए ज़रा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बंगाल चुनाव करीब है, ज़मीनी स्तर पर ममता बनर्जी, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी, तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस इलेक्शन में कूदेंगे और इस इलेक्शन का माहौल इस बार जो है थोड़ा सा कठिन है। और हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार जो है जो 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाला वो थोड़ा सा टफ होगा या किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा वो देख। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अफसर अली। अफसर अली, अच्छा अफसर, ये बताइए कि कितना दिन से कलकत्ता में रह रहे हैं? हम तो है करीब 15-16 साल से। 15-16 साल से। अच्छा, ये चाय की दुकान कितने दिनों से? यही 2 साल होने वाला है। 2 साल होने। हाँ। आपकी अपनी दुकान है या काम वाम? नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं। एक बात बताइए कि अभी जो है इलेक्शन का माहौल है, लोग सब बहुत भीड़ होता होगा चाय वाय में, तो लोग किस तरह की बातें करते वरते रहते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट करना है, क्या नहीं करना है? हम तो उतना ध्यान नहीं रखते, हम अपना कस्टमर के ऊपर ध्यान रखते हैं, जो कौन चाय का पैसा देते हैं नहीं देते हैं वो सब बात करते हैं, बहुत बहुत किस्म का, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपना हम कस्टमर के ध्यान देंगे। मेरा चाय का बहुत सेलिंग है मेरा। अच्छा, चाय का बहुत सेलिंग। अभी रात में 10 बजे तक देखिएगा पूरा भीड़ लगा हुआ रहेगा रोड तक, पूरा भीड़ लगा हुआ। पुलिस वुलिस वाले आते होंगे? आते तो हम लोग को बोला हुआ है 12 बजे का अंदर बंद कर दिया है, हम लोग 12-10-15 से अंदर बंद कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले? हाँ, पश्चिम बंगाल के। अच्छा, पश्चिम बंगाल से रहने वाले, तो सवाल ये है कि क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा तो आप लोग जो है क्या लगता है, ममता बनर्जी सही है या भारतीय जनता? मेरा लिए ममता बनर्जी सही है, बचपन से आज तक लगे बचपन तक। अच्छा, ममता बनर्जी ऐसा क्या खास की है? खास बहुत कुछ की है, गरीब के लिए अभी जो गया है लॉकडाउन, गरीब के लिए बहुत भला किया है, और ऐसे भी अभी भी दे रहा है, हम लोग का बांध जो आया हुआ था बांध के लिए भी बहुत नुकसान जो हुआ उसका भी नुकसान भरी से। अच्छा, अभी जो सैलाब आ गया, फ्लड आ गया? हाँ, फ्लड जो आ गया था उसके लिए भी नुकसान भरी से, सब कुछ उन लोग के लिए ठीक है। अभी स्कूल के लिए भी, लड़का बच्चा लोग के लिए भी, हम मेरा छोटा छोटा दो बच्चा हर महीना में 1000-1200 रुपया मिलता है। अच्छा, ममता बनर्जी देती है? ममता बनर्जी देती है। अच्छा, एक बात बताइए कि कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो मुसलमान जो असदुद्दीन ओवैसी के खिले साथ हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि मुसलमान जो है हो जाते हैं, या पर जो लोग आते होंगे चाय वाय पीने वो इस तरह की बातें करते हैं? नहीं करते, इस तरह से करते होगा या साइड में होगा, लेकिन सामने आमने सामने नहीं करते। यहाँ बहुत किस्म का आदमी आता है, यहाँ का MLA फैमिले सब कुछ आता है यहाँ चाय पीने, लेकिन उसे बात नहीं सुनते। अच्छा, एक बात बताइए कि ममता बनर्जी, मतलब के जैसे बता रहे कि बचपना से ममता बनर्जी को वोट करेंगे, तो ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी का लोग कहते हैं कि काम वाम दीदी नहीं करती? नहीं, काम तो मेरा लिए, अब वो लोग करता है उसका लिए अलग बात है, लेकिन मेरा लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, हम लोग के लिए, हमारा पूरा फैमिली के लिए। अच्छा, बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए कि शादी, मतलब शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए? हाँ, 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़का। अरे, इतना कम उम्र में 4 बच्चे? 10 साल शादी का हुआ। 10 साल शादी? मेरा 32 साल चल रहा है। तो तुम्हारी उम्र, मतलब 22 साल में शादी? हाँ, 22 साल में शादी हो गया था। मेरी तो 27 हो रही है यार। अच्छा, वो सब छोड़िए, बताओ कि इस बार जो इलेक्शन जैसे होगा तो आप लोग जैसे वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर, मतलब कि जो पुराना आप लोगों को जो सहायता दी गई लॉकडाउन में ममता बनर्जी की तरफ से, उसी मुद्दे पर होगा या ये भी देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है या इसलिए वोट करना? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। फिलहाल देखिए, जो जैसा माहौल चलता है ना, अभी का पैसा का मामला, पैसा जहाँ जाता है वैसे आदमी चल जाता है, लेकिन आज तक हम लोग अभी कहीं तक नहीं किए हैं। तो ममता बनर्जी को बचपन से देखते आए, बाप दादा भी देखते आए, हम लोग भी देखते आ रहे हैं। ममता बनर्जी एकदम, मतलब सरकार में मुख्यमंत्री फिर ममता बनर्जी बनेंगे क्या? हाँ, वही मेरा उम्मीद है, वही बनेगा। आप लोगों को लगता है ना? हाँ जी। अच्छा, चलिए। अच्छा, चाय कौन सा स्पेशल चाय? और ये तंदूरी चाय देखते हैं, उधर दिखाइए तंदूरी चाय। तंदूरी चाय ठीक है, जा रहे हो? चाय स्पेशल है भाई, जरा स्पेशल ये है। आइए इधर, थोड़ा आग लग रहा है, बंद कर दिए। इसमें स्पेशल खूबी ये है, जो चाय का पूरा मजापन आ जाता है, ये बाहर दूध पानी जो जितना जला हुआ रहता है वो सूख जाता है, पूरा एकदम पूरा सूख जाता है, ये पूरा गाढ़ापन है, लस लसाई हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा है हम लोग तंदूरी चाय। कितने का चाय है ये तंदूर? ये चाय एक बाहर में 20 रुपया, और केसर मिला के 30 रुपया। गरीब आदमी लॉकडाउन में कहाँ से 20 रुपये का चाय
गरीब आदमी नहीं, बहुत बाहर बाहर से आदमी आता है चाय पीने के लिए, स्पेशल चाय। ममता बनर्जी को एकदम वोट देना है, एक बार देना ही है। आम जनता के बीच में आकर आम जनता से बातचीत करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि आम जनता बताएंगे इस बार चुनावी माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि सरकार उनकी बनेगी, सरकार में वो आएंगे, मगर सवाल ये उठ गया है कि आम स्तर पर जो ज़मीनी लेवल पर ममता बनर्जी ने जो लॉकडाउन पे काम किया है उससे को लेकर जनता के मन में किस तरह का खुशी, किस तरह का नाराज़गी, वो जानने की कोशिश कर रहे थे। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।